साइबेरियन डक्स की आवाज़ें, ढेर सारे साइबेरियन डक्स अभी आए हुए हैं हमारे यहाँ। लवली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू अगेन माय चैनल जिंदगी जरा मुस्कुराना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आफ्टर सीडलिंग प्लांटेशन कैसे करनी चाहिए, आगे प्लांट को ग्रो करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें प्लांट से अच्छा रिजल्ट हासिल हो सके। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने चिली सीड्स की सीडलिंग की थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो ये चिली सीड्स, और इसे मैंने इसके सीडलिंग की थी, और अब मुझे इसका 100% रिज़ल्ट मिल चुका है। लगभग सारे बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट कर गए हैं और छोटे छोटे प्लांट्स अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, और अब इन्हें अलग किया जा सकता है क्योंकि अब इन्हें बढ़ने के लिए थोड़ी बड़ी जगह चाहिए जहां अब ये आराम से ग्रो कर सके और अच्छे तरीके से फैल सके। साथ ही मैंने ग्रो किया था मालाबार स्पिनच को, तो उसके भी बेबी प्लांट्स तैयार हैं और अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो अब उन्हें अलग करना होगा, थोड़ी बड़ी जगह देनी होगी क्योंकि अब उन्हें ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आइए अब चलिए अब इन पौधों को अलग करते हैं और इन्हें ग्रो करने के लिए थोड़ी बड़ी जगह देते हैं। तो हमेशा पौधों को, बेबी प्लांट्स को आराम से निकालें ताकि वो कम से कम डिस्टर्ब हो, उनकी जड़ें कम से कम डिस्टर्ब हो। थोड़ी मिट्टी के साथ निकालें ताकि ग्रो करना ज़्यादा आसान हो। और अब आप उन्हें बढ़ने के लिए थोड़ी बड़ी जगह और अलग जगह दें। कोशिश करें कम से कम दो प्लांट्स को एक साथ लगाने का, क्योंकि दो प्लांट्स आराम से ग्रो कर जाते हैं, और कभी कभी अगर एक प्लांट मर भी जाए तो दूसरा प्लांट ज़्यादातर रह जाता है और वो सर्वाइव कर जाता है। तो इस तरीके से मैंने बास्केट्स, पॉट्स, प्लास्टिक बैग सभी को यूज़ किया है ताकि मैं उनमें अपने प्लांट्स को बढ़ने के लिए जगह दे सकूं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं ये मिट्टी कैसे तैयार करती हूं, ताकि मुझे इन छोटे छोटे पॉट्स प्लास्टिक बैग में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो इसका खास तरीका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए भी प्लांटेशन आसान हो और आप प्लांट्स को अच्छी तरह अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। तो किचन गार्डन चूँकि छोटा ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आपको मनभावन चीज़ें मिल जाती हैं। अपने हाथ की लगाई हुई चीज़ों की सुगंध आपको मन खुश कर देने के लिए काफ़ी होता है। तो अब मैं इसमें हल्के से वाटरिंग करूंगी, क्योंकि मिट्टी पहले से ही थोड़ी गीली है, और प्लांट को मैं अब सेट में रख दूंगी ताकि अब ये प्लांट थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, क्योंकि इस प्रोसेस में प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आ ही जाता है। अब दो दिन सेट में रखने के बाद मैं इसे वापस धूप में लेकर आऊँगी। तो ये इस तरीके से आप ढेर सारे फ्लावर्स के या फिर वेजिटेबल्स के सीड्स को आप उससे सीडलिंग कर सकते हैं, उससे पौधे निकाल कर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। और ये किचन गार्डनिंग के लिए तो बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि किचन गार्डनिंग हम बस थोड़े से जगह में ही करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर तरीका होता है सीडलिंग का। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने अब पौधों को अलग कर दिया है और अब इन्हें बढ़ने के लिए मैंने बड़े कंटेनर्स दिए हैं, थोड़ी बड़ी जगह दी है, ताकि अब ये आराम से इसमें ग्रो कर जाए और इसे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। मिट्टी को मैंने पहले ही खाद वगैरह डालकर तैयार कर लिया है, और जैसा मैंने कहा, ये प्रोसेस मैंने कैसे किया है ये मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए मालाबार स्पिनच बढ़ने के लिए मैंने बड़ी जगह दी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल बटन जरूर दबाएं। बाय, टाटा।